गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर 7 हम कर रहे हैं और आज हम उसी में करेंगे डेट इन वर्ड्स। हम आज डेट सीखेंगे वर्ड्स में लिखना। जैसे कि हमें ये डेट दी गई है, इनको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। मैंने आपको ये बताया था, जो ये डेट होती है ये किस फॉर्मेट में होती है, डे डे, मंथ और उसके बाद ईयर ईयर। यानी कि ये तो है आपका डे, ये है मंथ और ये है ईयर। तो डे कौन सा है, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद मंथ कौन सा है, मंथ नंबर दिया हुआ है, आपका मंथ नेम नहीं दिया हुआ, मंथ नंबर दिया हुआ है, मंथ नंबर है 2। 2 का मतलब जनवरी 1, फरवरी 2, यानी कि फरवरी। मंथ कौन सा हो गया, फरवरी, यहाँ पे लिखेंगे फरवरी। उसके बाद ईयर क्या हुआ, 2012, तो यहाँ पे लिखेंगे 2012। तो ये हो गया वर्ड में, यानी कि आपने इस डेट को जो कि नंबर्स में लिखी गई है आपने लिखा है वर्ड में। सेकंड देखते हैं, एक और हम देखते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये वाली डेट है, तो ये तो है हमारा डे, उसके बाद ये है हमारा मंथ और ये है हमारा ईयर। ओके, सो डे कौन सा हो गया आपका, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10। और मंथ कौन सा हो गया, मंथ भी 10 है, तो मंथ का यानी कि नंबर दिया हुआ है, नेम नहीं दिया हुआ। तो 10th नंबर पे कौन सा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यानी कि 10th पे कौन सा मंथ होता है, अक्टूबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 अक्टूबर। उसके बाद ईयर क्या है, 2002, तो लिखेंगे 2002। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे वर्ड में। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको, ये कुछ डेट्स हैं इनको आपको वर्ड्स में लिखना है। ये नंबर्स में दिए हुए ये डेट, आपको इनको वर्ड में लिखना है। अब अगर आपको कोई डेट नंबर्स में दी गई हो और आपको उनको वर्ड में नंबर्स में लिखना हो, वर्ड में दी गई है और आपको उनको नंबर्स में लिखना है, तो हम लिखेंगे डेट इन नंबर्स। तो आज हम डेट इन नंबर्स, नंबर्स में हम कैसे डेट लिखेंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे देखिए, ये डेट है, ये डेट आपको वर्ड में दी गई है, ओके, वर्ड में, तो इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट वही है, डे, मंथ और फिर ये हो गया आपका ईयर। ओके, तो देखते हैं इनमें से डे कौन सा है। पहले तो 6 अगस्त 2010, 6 अगस्त, तो अगस्त तो आप देख रहे मंथ हो गया, ठीक है, अगस्त तो मंथ होता है, तो मंथ अगस्त होता है, लेकिन नंबर आपको नेम नहीं लिखना, अगस्त नहीं लिखना, आपको अगस्त का नंबर लिखना है। कौन से नंबर पे आता है अगस्त, काउंट करके देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8th नंबर पे आता है। तो मंथ तो हो गया आपका 8, ओके, मंथ हो गया 8। और उसके बाद अगस्त से पहले क्या है, 6, यानी कि अगस्त किसकी, 6 की, डे कौन सा हो गया आपका, 6, और ईयर क्या हो गया, 2010, यानी कि 2010। तो ये आपने लिख लिया इनको नंबर्स में, ये जो डेट आपको वर्ड में दी गई थी आपने इनको नंबर में ऐसे लिख लिया। एक और लिख के देखते हैं, ये थी हमारी सेकंड डेट, तो वही फॉर्मेट, डे डे, मंथ मंथ, उसके बाद ईयर। तो देखते हैं 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई, जुलाई देखिए मंथ है, ठीक है, तो लेकिन आप मंथ का नंबर लिखेंगे, जुलाई कौन से नंबर पे आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7th नंबर पे आता है, यानी कि 7। उसके बाद डे कौन सा हो गया, 20 जुलाई लिखा हुआ ना, जुलाई का कौन सा डे, 20, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20। अब ये हो गया आपका ईयर 2020,
2020। तो ये हो गई आपकी डेट। अब इसी तरीके से ये वर्ड में दी गई है डेट, और आप इनको लिखेंगे नंबर्स में। ओके, गुड लक।